ज वेलकम आज हम करेंगे एन ए पी प्लस क्लोज मेप ओके दिस इज दिटैप ऑफ पोर्टुगस लैंग्वेज एंड द रेट इज यू कैन सी फोर्टीन सेंट ओके सो क्वाइट गुड रेट फॉर दिस हटाप हिट इज वेरी सिम्पल वन मिनट पर हट इज मिनिमम टाइम फॉर दिस ठीक है बहुत सिंपल हिट है और एक मिनट में करना है आपको मिनिमम मतलब कि एक मिनट से कम में मत कीजिएगा नहीं तो टेप आप, बैन आपको मिल जाएगा स्पीड के लिए अभी हम ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग के बाद क्वालिफिकेशन पर चलेंगे अभी है ट्रेनिंग मॉड्यूल सो लेट्स गो फॉर द रनिंग ट्रेनिंग में देखते हैं क्या करना है? आपको बताना है नेम एड्रेस फोन नंबर एन ओके उसके बाद क्लोज मैप ये क्लोज है या नहीं उसके बाद आपको बताना एनएपी सही है या नहीं तो यहाँ देखिए फर्स्ट है आपका रेस्टोरेंट ला ये आपका बिजनेस का नाम है इसे कहते हैं एन ये एड्रेस जिसे कहते हैं ए और ये है फोन जिसे कहते हैं पी ठीक है जो इनिशियल है ना उसी पे वेबसाइट बना है एन ए पी तो आपको बताना है कि ये क्लोज है ओपन है क्या है यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं आप रिसर्च टूल का उपयोग कर सकते हैं इसको सर्च करने के लिए यहाँ पर ये यह मेंशन है उसके बाद फिर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताना सेकंड में फर्स्ट कि आपको इसका कंपनी वेबसाइट मिलता है जो कि नेम और एड्रेस से मैच होता है तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी किसी वेबसाइट का नाम देंगे सपोज मैंने यहाँ पर अभी जिस एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम दिया फिर आपको बताना ये ओपन है या क्लोज है तो जो एंटिटी क्राउड ओपन क्लोज करते हैं वहां तक तो ऐसे सपोज ये ओपन है जिससे आप ओपन क्लिक कर देंगे तो फिर आपसे बोलेगा एन बताइए अब यहाँ पर देखिए नेम सही है या नहीं सही है तो इकिनट कर दीजिएगा फोन नंबर देखिए अगर सही हो तो करेक्ट कीजिए नहीं तो इन करेक्ट कर दीजिएगा एड्रेस नंबर भी सेम ऐसे करना है आपको और यहाँ पर वो एड्रेस की डिटेल में एड्रेस को डालना है तो ये हिटाफेटिक इस तरीके से आपको करना है तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम कर रहे हैं पोटोग एन प्लस क्लोज में बहुत अच्छा प्राइस है इस इसका अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस से ठीक है और ये है नेम एड्रेस फोन नंबर प्लस क्लोज टू मैप ये आपको बताना है तो अब आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो ध्यान दीजिए क्या करना सबसे पहला स्टेप में रिसर्च जब आपका रिसर्च हो जाता है आपको कंपनी वेबसाइट मिल जाती है ना इसी इंटरटी मैचिंग से तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको कंपनी वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप चाहिए सोशल मीडिया साइट पे फोर नंबर के ऑप्शन पे वहाँ चेक कीजिए अगर वो मिल जाता है तो आप वहाँ पे फोर सेलेक्ट कीजिए ठीक है टू और फोर्थ के अंदर ही आप एन चेक कर सकते हैं नेम एड्रेस फोन अगर आपको इन दो और चार के अलावा थर्ड ऑप्शन मिलता है अदर अप्र्रूड इनफॉर्मेशन जैसे रिव्यूज़ और ये चीजें मिलती हैं तो आप सिर्फ ये बता पाएंगे कि वो इंटरटी ओपन है या क्लोज आपको एन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है और जब अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो पाँचों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है और वहां पर वो लिंक डाल दीजिएगा बस ऐसे ही करना है इसमें तो फर्स्ट तो ये हो चुका है आपका सेकंड आपको फिर यहाँ पर बताना है प्लीज टेल हाउ यू रिसर्टिटिव आर द वैब जब आप बता देते हैं सेकेंड या फोर्थ के अंदर का कुछ रिजल्ट आपको कंपनी वेबसाइट मिल जाती है ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट मिल जाती है जो कि तीन सौ दिन मिनिमम मतलब मैक्सिमम तीन सौ पैंसठ से ज़्यादा पुराना कोई वहाँ पर पोस्ट यू उस बिजनेस के द्वारा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ पर थर्ड में आके बताएंगे बिजनेस ओपन है या क्लोज है अगर बिजनेस ओपन होता है तो आप सीधा पूरा रेटिंग करेंगे नेम का एड्रेस का और फोन नंबर का देखेंगे सही है या नहीं और अगर ये क्लोज होता है तो यही ख़त्म हो जाएगा और अगर आप इसके अलावा थर्ड ऑप्शन को चुनते हैं तो यहाँ पर से ओपन क्लोज बताना है आपको उसके आगे कुछ एन चेक नहीं करना है ठीक है तो ये हिट का इंटरफेस है हम यहाँ आप सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेप में और फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पर आइए इन सब को ग्रैप कर लीजिए जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिंग कीजिए और गूगल कर दीजिए ठीक है हमेशा बिंग का उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वो ओपन या क्लोज या क्या है ठीक है तो ये देखिए मूसी रिवर्स दिया हुआ है और ना तो मैच जफाइनी ठीक है यहाँ देखेंगे यहाँ देखते हैं आपका जो आई थिंक देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये टोज डे टेम्प्री क्लोज को भी आपको हमेशा ओपन में ही लेना होगा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन दिया है रिव्यू दिया हुआ है और आई थिंक तो यहाँ पर रिव्यू है हमारे पास में बाकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ नहीं मिल रही है सारे के सारे ना ऑफिशियल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट का हमेशा डेडिकेटेड नेम मैच होता है रेस्टोरेंट ठीक है थीके? तो आई थिंक इस केस में आपको यहाँ रिव्यू तो मिल रहे हैं 107 रिव्यूज़ है। और आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से भी रिव्यू है तो इस रिव्यूज़ के बेस पे कह सकते हैं कि बिजनेस तो एग्जिस्ट था ठीक है मैं अभी इस लिंक को ले लेता हूँ या कोई और लिंक भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि यही लिंक आप लेंगे अभी क्या हो रहा है देखिए इस केस में ये हो रहा है कि ये बिजनेस चालू था इतना पता टेम्प्रेरी अभी क्लोज है ठीक है और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सी तो मिला नहीं है हमें और आई फाउंड अदर अप्रूड वेब इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग माई स्टेटस थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑफिशियल सोशल साइट भी नहीं मिला है जो हमने लिंक देखे थे यहाँ पर तो कोई सोशल मीडिया वाली साइट भी अवेलेबल ठीक है तो इस केस में आप क्या करेंगे होगा सीधे यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि रिव्यू वाला ऑप्शन होता है और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दीजिए जाएगी या रिव्यू वाला कहीं से भी आप ले सकते हैं ठीक है थीके? आप इंस्टा स्ट्रीट पर जाकर देख सकते हैं ओपन टेबल पर जाकर देख सकते हैं और थर्ड ऑप्शन जब भी करते हैं मैंने आपको बताया सेकंड एंड फोर्थ में ही आपको एन चेक करना है ठीक है और अब जो थर्ड करते हैं एनएपी बताना ही नहीं है आपको ओपन क्लोज बता तो मैं ओपन बता दूँगा क्योंकि मुझे ओपन मिल चुका है क्योंकि मुझे टेम्प्रेरी का दिया है मतलब कि वो ओपन है और टेम्प्रेरी क्लोज क्यों है वो भी आप चेक कर लीजिए तो यहाँ जाइए रेस्टोरेंट लाइट वैनट्री वो आप चेक कर लीजिए उसके बेस पर बता सकते हैं ये यह देखिए यहां पे क्या दिया है स्टाफ एंड फर्स्ट ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस ठीक है यहाँ से बैक कीजिए और रीजन जानने की कोशिश कीजिए आखिर टेंरी बंद क्यों टेंरी बंद का मतलब परमानेंट बंद नहीं है मतलब वो ओपन है और अभी 2023 का रिव्यू भी थे इसमें तो हो सकता है कि किसी कोविड के कारण बंद हो या किसी और चीज से बंद हो यहां देखते हैं किस रीजन से बंद है तो यहां तो कुछ नहीं लिखा है और ये देखिए चार जनवरी दो का ये रिव्यू था फिर आप और देखें इसको डाउन करके तो ये टेम्प्रेरी के केस में आपको हमेशा उसे ओपन ही शो करना है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं वापस से और अब हमें ना ऑफिशियल वेबसाइट मिला है नहीं कंपनी वेबसाइट मिला है मतलब न तो सेकंड ऑप्शन मिला है ना, ना, ना फोर्थ ऑप्शन मिला है उस केस में आप थर्ड ऑप्शन मिला है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें रिव्यू तो मिल रहा है इसका मतलब कि बिजनेस तो प्रेजेंस है यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया यहां पर ओपन कर दिया और थोड़ा सा डाउन कीजिए सबमिट कर दीजिए यह मैथड है इस मैथड से सारे हिट्स कर रहे और इजिली आप कर लेंगे ठीक है सबमिट करते हैं और ये सही जवाब है हमारा देखिए स्टेटस ओपन है वन तो इसी वे में आपको करना है ये एक वीडियो रिलीज किया है मैंने आप लोगों के लिए आप समझते कि कंसेप्ट कैसे होता है फिर से दोहरा रहा हूँ ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेरी है करंट बिजनेस ये रिसर्च टूल है यहाँ से रिसर्च कीजिए कोशिश कीजिए कंपनी वेबसाइट मिल जाए तो इस पे जाइएगा और एन पे बताइएगा अगर कंपनी वेबसाइट नहीं मिलती है तो थर्ड पे जाइएगा आई फाउंड अदर अप्रूव वेबसाइट और सीधे ओपन क्लोज बता के खत्म कर दीजिए और अगर फोर्थ पे मैं आपको सोशल साइट मिल जाती जो कि तीन दिन से ज्यादा पुराना कुछ कंटेंट नहीं है वहां पर ओनर के द्वारा तो आप फोर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी आप एन ए बता सकते हैं नेम एड्रेस बता सकते हैं और जब कुछ नहीं मिलता रिव्यू भी नहीं मिल रहा है तो फाइनली फिफ्थ कर दीजिएगा ठीक है फिर तो मैं आपसे दे आएंगे जंक पे आप जा सकते हैं उसको तो ध्यान दीजिए इस तरह से आपको करना है गुड लक फॉर योर क्वालिफिकेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा तो ब्रीफ दिया है मैंने और डिटेल्ड में सीखना है तो आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर सेटअप को डिटेल में आपको बता दिया जाएगा वन बाय वन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो समझ में आ रहे होंगे जिससे कि आपको हेल्प हो रही होगी आपके यूएचआरएस के वर्क में आप थोड़ा बहुत अर्न कर पा रहे होंगे ऐसे ही वीडियो को लाइक करते जाइए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिससे कि हमें पता चले कि आप वीडियोज लाइक करें हम और अच्छे वीडियोज़ बनाएं और अच्छे से समझाने की कोशिश करें जिससे आप अच्छे से अर्न कर सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्याल रखिए अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर